गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर के प्रैक्टिस 4 का सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में जो पहला जो क्वेश्चन है, सीआरओ में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाध अर्थात वर्टिकल आयाम इंगित करता है तत्कालिक वैल्यू। सीआरओ में 250 वोल्ट आरएमएस मुख्य एसी वोल्टेज की पीक टू पीक वोल्टता क्या होगी? 353.5 वोल्ट। ट्रांजिस्टर के अधिकांश जर्मेनियम अर्धचालक की तुलना में सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया जाता है क्योंकि यह उच्च तापीय स्थिरता आता है अर्थात हाई टेम्परेचर को सह सकता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं तो बेस, कलेक्टर और इमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा पावर गेन होता है? सबसे ज्यादा जो पावर गेन होता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के एसी करंट गेन का सूत्र क्या है? तो IC/IB। किस प्रकार के ऑक्सीलेटर का उपयोग होता है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर में? ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर का मतलब जहां से सिग्नल को टेलीकास्ट किया जाता है, तो वहां हम लोग क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का उपयोग करते हैं। IGBT क्या है? तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है। अगर दो इनपुट ए एंड बी है तो नैंड गेट के आउटपुट वाई पर क्या होगा? तो नैंड गेट का जो आउटपुट मिलता है, तो चूंकि नैंड गेट जो होता है वह एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट लगाकर प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहां ए इंटू बी होता है, तो यहां होगा ए इंटू बी का रैकरिंग, अर्थात हम लोग का ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। निम्नलिखित विद्युत सहायक में से कौन सा डैश आवश्यक है अंडर राइडर नाइट प्रदान करने के लिए? सीलिंग रोज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीवीसी चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या होती है? ज्वलनशील और आग का खतरा इसमें ज्यादा रहता है। किस प्रकार के तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए उन स्थानों पर जहां धूप और बारिश का खतरा हो? बैटन वायरिंग का वहां प्रयोग नहीं करना चाहिए। धातु डैश से जंग के खिलाफ संरक्षित किया जा सकता है अर्थात धातु को जंग से कैसे बचाया जाता है? ग्लेवनाइजिंग कर करके, सैंडल के द्वारा डैश पाइप फिक्सिंग करते हैं। फिटिंग के लिए डैश दूरी होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश पाइप डैश वक्त डैश की न्यूनतम झुकाने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन से आपका कोई मीनिंगफुल अर्थ पता नहीं चल रहा है, तो इसका इंग्लिश क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाइल बेंडिंग द कंड्यूक्ट पाइप द मिनिमम बेंडिंग रेडियस ऑफ कंड्यूक्ट सेल बी, अर्थात जब हम लोग कंड्यूक्ट पाइप को मोड़ते हैं तो मोड़ने का जो मिनिमम उसका रेडियस होता है वो क्या होता है? तो ये होता है हम लोग का 7.5 सेंटीमीटर। तारों में इस्तेमाल गैर धातु डैश पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए? 20 mm। IE नियम के अनुसार किसी भी तारों की स्थापना के समय करंट रिसाव अर्थात लीकेज अधिक से अधिक क्या हो सकता है? फुल लोड का 1/5000 भाग। और ये क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या प्रायः क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बड़े डीसी मशीन का योग किसका बना हुआ होता है? तो कास्ट स्टील का। सिप्लेक्स वेव वाइंडिंग की समानांतर पथ संख्या अर्थात पैरेलल डीसी जनरेटर कितनी होती है? तो 2 होती है। डीसी संट जनरेटर का
क्या एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, डीसी जनरेटर आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? मुख्य ध्रुवों के बीच अंतर ध्रुवों को उपलब्ध कराने के कारण। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिस्टिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे संट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है, फील्ड संट रेसिस्टेंस 80 ओम है, संट फील्ड करंट का गणना करें। तो 5 एम्पियर इसका ऑप्शन होगा। डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण जिसमें सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर है क्या होता है? तो E = ∅ZN ×P/120 वोल्ट। जनरेटर जिसमें संट क्षेत्र श्रृंखला क्षेत्र के बाद से जुड़ा हुआ है क्या कहलाता है? डीसी लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। कौन सा नियम डीसी मोटर में कंडक्टर की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के अनुपातिक है, गति के अनुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी संट मोटर में अगर क्षेत्र खुल जाता है मोटर के चलने के दौरान मोटर का क्या होगा? मोटर काफी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा। मोड़ने या मरोड़ने के लक्षण का बल धुरी के इर्द गिर्द को क्या कहा जाता है? टॉर्क। एक 220 वोल्ट डीसी संट मोटर तथा 500 आरपीएम पर चलती है, बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है और टॉर्क को दोगुना बढ़ा दिया जाता है, बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है, नई गति क्या होगा तथा नया स्पीड क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग का हो जाए 476 आरपीएम। लिफ्ट के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है? डीसी संचयी यौगिक मोटर। श्रृंखला क्षेत्र गति निर्धारित विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग होती है? तो ये प्रयोग होती है हम लोग का प्रिंटिंग मशीन, विद्युत रेलगाड़ी में सीरीज मोटर का उपयोग हम लोग उस जगह करते हैं जहां पर ज्यादा लोड होता है। अगला क्वेश्चन है, एसी डीसी कंट्रोल ड्राइव की एक एप्लीकेशन क्या है? तो आंसर होगा ब्लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है, माध्यमिक पक्ष के रूप में। एक केवीए 240 वोल्ट 120 वोल्ट, एक केवीए 240 वोल्ट / 120 वोल्ट एक चल ट्रांसफार्मर में करंट का गणना डैश होगा 8.33 एम्पियर। ऑटो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन क्या है? सीरीज लाइन बूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधि जो ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है, 100 केवीए तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए, तो वो है आपको प्राकृतिक हवा द्वारा शीतलन। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताजा सिलिका जेल किस रंग का होता है? सफेद। कौन सा तरीका ट्रांसफार्मर के समूह में तीन चरण ट्रांसफार्मर कार्यरत कनेक्शन के लिए सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन के अंत में होता है? स्टार डेल्टा।
माध्यमिक पक्ष में एक एकल चरण ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या है? 4.44 एफ एन इंटू फाइव एम वोल्ट। जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही घुमावदार से प्राप्त होते हैं, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार का उपकरण के अंतर्गत आता है? एनर्जी मीटर। उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? फास्फोरस ब्रॉन्च। यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? ओम / वोल्ट। जो एक करंट ट्रांसफार्मर सीटी का एप्लीकेशन है, टोंग परीक्षक, पीएम सीसी प्रकार मीटर उसी सिद्धांत पर काम कर रहा है जिस पर डैश में से एक उपकरण काम करता है, डीसी मोटर। किस प्रकार के यंत्र केवल एसी सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं? इंडक्शन वाटमीटर। इंडक्शन प्रकार एमआई साधन के झुका हुआ बल डैश होता है, स्क्वायर ऑफ करंट। आमीटर का विस्तार रेंज के लिए शंट रेसिस्टर में का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीन। टोंग परीक्षक का कार्मिक सिद्धांत क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज के क्लास में हम लोगों ने मॉडल पेपर 4 का सॉल्यूशन किया। अगले क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 5 का सॉल्यूशन करेंगे।